और दोस्तों दीप्ति किचन मैजिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंस्टेंट लौकी का ढोकला बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए मैंने लौकी ली है, ये फ्रेश लौकी का यूज़ किया है मैंने इसमें। अब एक मिक्सर का जार ले लेंगे। अब जो हमने कटी हुई लौकी है इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 4 से 5 कड़ी पत्ते। अब इसमें डालेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा। इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप दही, और थोड़ा सा दही जो है मैंने बचा के रख लिया है, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। चलिए अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए इसका टेक्स्चर। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दोस्तों ये इंस्टेंट लौकी का ढोकला खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है, और आप जब इसको बनाएंगे ना, किसी को खिलाएंगे तो वो पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इसका इसमें लौकी का यूज़ किया है। अब इसमें हमने डाला है 1 कप सूजी। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने दही बचा के रखी थी वो इसमें मिक्स कर लेंगे, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों ये लौकी का ढोकला बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसको भी खिलाएंगे वो पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसमें लौकी का यूज़ किया है। अब जो लोग लौकी से मुँह बनाते हैं ना, आप इस ढोकले के माध्यम से उनको ये लौकी खिला सकते हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तो तकरीबन मैंने 2 चम्मच पानी का यूज़ किया है। इस बैटर में अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स किया है। ये देखिए इसी कंसिस्टेंसी, इसको गाढ़ा ही रखना है, हमको पतला नहीं करना है। अब 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रख देंगे, क्योंकि जो हमने सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए। ये दोस्तों 10 मिनट हो चुके हैं, सूजी जो है हमारी अच्छे से फूल चुकी है। अब इसमें डाल देंगे इनो का सैशे, और थोड़ा सा पानी डालेंगे कि जो इनो हमें अच्छे से एक्टिवेट हो जाए। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक केक टिन ले लेंगे, ये ना हो तो आप कोई भी थाली का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बिल्कुल अच्छे से हमको ऑयल से इसको ग्रीस करना है, और सारा बैटर जो है इस टिन में डाल देंगे। इसको टैप टैप करके सब तरफ से इवन कर लेंगे। मैंने पहले से ही गैस पे पैन रखा हुआ था, उसमें एक रिंग रख देंगे, ऊपर से एक प्लेट रख देंगे ढोकले वाली, और इसको अच्छे से स्टीम कर लेंगे। 10 से 12 मिनट के लिए इसको हमको अच्छे से स्टीम करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पे ही स्टीम करेंगे इसको। इसको चेक कर लेते हैं एक बारी, देखते हैं अभी थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा है। 2 मिनट के लिए इसको और कुक कर लेंगे। अब दोबारा टूथपिक डाल के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल क्लीन निकली है, अभी अच्छे से पक चुका है। अब इसको ठंडा कर लेंगे। गर्म गर्म में इसको हमको नहीं निकालना है, अभी ठंडा हो चुका है। एक नाइफ की हेल्प से इसके जो साइड्स हैं वो हम छुड़वा लेंगे, और टैप टैप करके इसको निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, कितना ही ईजली ये निकल चुका है। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। दोस्तों ये ढोकला बहुत ही हेल्दी होता है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। मतलब जो ढोकला हम आम खाते हैं उस ढोकले से, मतलब इसका टेस्ट डिफरेंट तो होता है, पर खाने में बहुत ही मज़ेदार होता है। ये मैं एक पीस कट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना ही स्पॉन्जी बना है ये देखिए, बिल्कुल रुई जैसा सॉफ्ट बना है ये।
चलिए अब इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन ले लिया, उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे राई दाना। राई को अच्छे से चटकने देंगे। राई चटक चुकी है, अब इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, 7 से 8 पत्ते डाले हैं मैंने कड़ी पत्ते के। अब इसको अच्छे से इसमें कुक कर लेंगे। अब जो हमने ढोकले के पीस काटे थे, अब इसमें अच्छे डाल देंगे इसको एक एक करके। और इसको उलट पुलट करके अच्छे से कुक कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए दोस्तों इसको ढक के रख देंगे ताकि ये और अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए दोस्तों, ये अच्छे से कुक हो चुका है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो मेरे आने वाले नोटिफिकेशन से आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इंस्टेंट लौकी का ढोकला खाने में जितना ही टेस्टी होता है, हमारी हेल्थ के लिए उतना ही अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।